उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत की अमरिया तहसील और थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम डांग में नहर के पास ईदगाह और जूनियर हाई स्कूल के पास खड़े अज्ञात 10 टायर ट्रक की सूचना मुखबिर ने प्रातः 6:30 बजे फोन पर चौकी प्रभारी परेवा वैश्य धनश्याम बहादुर को दी। चौकी प्रभारी परेवा वैश्य ने तत्परता दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ ग्राम डांग में मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही 5 अज्ञात आरोपी भागने लगे। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया मगर आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया तथा ट्रक को जहानाबाद लेकर आई। पुलिस के द्वारा ट्रक के अंदर देखने पर ज्ञात हुआ कि ट्रक में प्रतिबंधित पशुओं की खाले हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारी अमरिया को दी। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्वास ने थाना जहानाबाद आकर खालों का निरीक्षण करके पुलिस की मौजूदगी में प्रतिबंधित खालों की गिनती कराई, जिसमें उन्होंने पाया कि ट्रक के अंदर 755 प्रतिबंधित गायों की खाले हैं। थाना जहानाबाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए 5 फरार अज्ञात आरोपियों सहित ट्रक मालिक और ट्रक में पाए गए मोबाइल नंबर के आधार पर एक अज्ञात आरोपी पर गौवध अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। आएंगे इसमें कितनी गायों की खालें बरामद हुई हैं और कौन कौन सी प्रजाति की हैं? सर, इसमें खालें 755 हैं, जिसमें देसी गाय भी हैं और विदेशी गाय एचएफ वगैरह वो भी हैं, जिसमें 7 जो खालें हैं वो उसकी भी निकली हैं बकरों की और 3 भैंस वगैरह की। टोटल कितनी गाय की सर हम बरामद हुई हैं? गौवंशीय की तो 755 है, 7 उसमें बकरों की खालें हैं और 3 भैंसों की। ये जो 3 और बकरों की 7 बरामद हुई हैं, ये 755 में शामिल है अलग से? अलग से, वो 10 अलग, तो 765 हो जाएंगे सभी।